नमस्कार, मैं हूं दीपाली। मनी मैटर्स फॉर वुमेन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को दशहरा के उपलक्ष्य में बहुत सारी शुभकामनाएं। तो अगर आप भी हमारे इस खास शो में शामिल होना चाहती हैं, जहां हमारे एक्सपर्ट्स आपको निवेश करने का सही तरीका बताते हैं, तो आप हमें SMS कर सकती हैं, साथ के साथ आप ईमेल भी कर सकती हैं। ईमेल करने के लिए shi@zeenetwork.com पर ईमेल करें। इसके अलावा आप हमें SMS भी कर सकती हैं। शी लिखिए, अपना सवाल लिखिए और सेंड कर दीजिए 57575 पर। ईमेल करते वक्त अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जरूर आप मेंशन कीजिए। और आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हमारे साथ मुंबई स्टूडियो से मौजूद हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और PPFAS के वाइस प्रेसिडेंट जयंत पाई। जयंत जी, वेलकम टू दी शो। जयंत जी, सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। पहली कॉलर नीलांजना भोपाल मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है नीलांजना आपका मनी मैटर्स में। क्या है आपका सवाल, पूछिए। नमस्कार मैडम जी। सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। मैं आपका ये कार्यक्रम मनी मैटर्स जो है देखने के बाद ही म्यूचुअल फंड में मैं इन्वेस्ट करने के लिए इंस्पायर हुई हूँ जी। मैं 45 वर्ष की हूँ और सरकारी नौकरी करती हूँ। मेरे दो सवाल हैं। पहला ये है कि मैं 12,000 रुपये प्रति माह सिप के जरिए 10 साल तक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ जी। तो इसके लिए जो है मेरा प्लीज पोर्टफोलियो बनवा दीजिएगा जी। और दूसरा मेरा प्रश्न है, मैं 1,00,000 रुपए तक के जो है वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ, तो मैं कहाँ करूँ जिससे कि मुझे आने वाले 5 वर्षों में बेहतर रिटर्न्स मिल सके जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया नीलांजना जी आपका, जो भी बातें आपने हमारे शो से जुड़ी कही। वहीं बात करें आपके क्वेश्चन की, तो जयंत जी 45 साल इनकी उम्र है, 5 साल के नजरिए से 12,000 रुपये पर मंथ SIP के जरिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रही हैं। इसके अलावा 1,00,000 रुपये वन टाइम इन्वेस्ट करना चाहती हैं। ऐसे में इनका पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए? नीलांजना जी, पहली बात ये है, बहुत अच्छी चीज है कि आप हमारा प्रोग्राम देख के इंस्पायर हो गए हो और आपका नजरिया काफी लॉन्ग टर्म है। 10 years इज नॉट अ शॉर्ट टर्म। और आपको क्योंकि आप म्यूचुअल फंड से थोड़े परिचित हो, तो और दूसरा कि मार्केट ने काफी करेक्शन दिया है ऊपर से लास्ट 6-7 महीने में, तो ओवर 20% करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। तो यूजुअली हम बिगिनर्स को ये कहते हैं कि वो बैलेंस फंड्स के जरिए निवेश करे जी। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप डायरेक्टली डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स चुन सकते हो जी। क्योंकि आप 12,000 पर महीने निवेश कर सकते हो, आप ये 3 अलग फंड्स में डिवाइड कर सकते हो और 4,000 रुपीज पर मंथ। एक है HDFC टॉप 200, दूसरा है DSP टॉप 100 और तीसरा है रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटीज। तो इसमें आपको एक लार्ज कैप प्लस मिड कैप का एक अच्छा एक मिश्रण मिलेगा। इसके अलावा जैन जी लमसम भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं जी, बताएं। तो लमसम क्योंकि आप 5 years तक रख सकते हो, ये मुझे लग रहा है इन्हीं 3 फंड्स में आप 25,000 ईच निवेश कीजिए जी। प्लस और एक फंड है फिडेलिटी इक्विटी फंड, तो आप 25,000 और उसमें भी वन टाइम कर सकते हो। तो टोटली आपके ज्यादा फंड्स भी नहीं होंगे और आपका टोटल अमाउंट इन्वेस्ट हो सकता है जी। यानी नीलांजना जी, जैसे कि जयंत जी ने आपको पोर्टफोलियो सजेस्ट किया है, SIP के जरिए जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 3 फंड्स आप चुन सकती हैं, DSPBR टॉप 100, HDFC टॉप 200, रिलायंस सिक्योरिटी अपॉर्चुनिटीज। इन तीनों फंड्स में 4,000 पर मंथ आप SIP के जरिए इन्वेस्ट कीजिए। इसके अलावा लमसम जो आप इन्वेस्ट करना चाहती हैं, तो यही 3 फंड्स आप चुन सकती हैं और इनके साथ एक फिडेलिटी इक्विटी फंड चुनिए और चारों फंड्स में आप 25,000 इन्वेस्ट कर सकती हैं। लेकिन लंबी अवधि का जरूर नजरिया रखिए अगर अच्छे रिटर्न आप लेना चाहती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली कॉलर मौसमी बैनर्जी मुंबई से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है मौसमी आपका मनी मैटर्स में, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते सर, इट्स नमस्ते मैडम, दिस इज अ वेरी गुड शो और मुझे 3 क्वेश्चंस पूछने हैं बेसिकली जी। फर्स्ट इज थोड़ा मुझे कंफ्यूजन है अबाउट गोल्ड ETF इन्वेस्टमेंट के, जैसे गोल्ड का एप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन हो रहा है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे उसमें इन्वेस्ट करूँ। सेकेंड क्वेश्चन इज, अगर मुझे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, आई एम 31 राइट नाउ और आई एम वर्किंग इन एन MNC, तो मुझे अगर एट द एज ऑफ 60 या आफ्टर 58 और 60, इफ आई वांट लमसम अमाउंट ऑफ अराउंड 55 to 60 lakhs, तो मुझे कैसा, हाउ शुड आई इन्वेस्ट? एंड द लास्ट क्वेश्चन इज अबाउट माय हस्बैंड, बेसिकली वी हैव अ होम लोन ऑफ 22 lakhs और हम लोगों को टारगेट है कि हम लोग वो जल्दी कवर अप करना चाहते हैं। वी वांट टू क्लोज द लोन एट द अर्लीस्ट, तो उसके लिए समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हम लोग अपना पोर्टफोलियो बनाए जिससे यू नो हम लोग थोड़ा जल्दी से लोन को इंस्टेड ऑफ 20 years पीरियड उसको जल्दी थोड़ा कवर अप करते हैं जी, क्लोज करते हैं जी। जयंत जी, मौसमी की 3 क्वेरीज हैं यहाँ पर। सबसे पहली क्वेरी है रिटायरमेंट से जुड़ी,
करीब 30 साल बाद ये अगर रिटायरमेंट के लिए 65 लाख रुपए अगर कमाना चाहती हैं तो उसके लिए कहाँ इनको इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि ये अपने रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस एक्यूमुलेट कर सके। दूसरा, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का क्या तरीका होना चाहिए? गोल्ड फंड्स बाजार में मौजूद हैं, ईटीएफ्स मौजूद हैं, ऐसे में कौन सा ऑप्शन इन्हें चुनना चाहिए? और आखिरी सवाल, इनके हस्बैंड ने होम लोन लिया हुआ है तो उस रकम को चुकाने के लिए क्या ये कुछ रकम फिलहाल इन्वेस्ट कर सकती है ताकि उस होम लोन को चुकाने में अपने हस्बैंड की मदद कर सके? क्या सलाह होगी आपकी? मौसमी, फर्स्ट लेट अस टैकल योर रिटायरमेंट प्रॉब्लम, क्योंकि आपको रिटायर होने में काफ़ी टाइम है अभी भी, अराउंड 29 to 30 ईयर्स। तो मुझे लगता है कि अगर आपको 65 लाख रिटायरमेंट पे अगर आपको एक्यूमुलेट करना है तो इट्स वेरी इजी। आप केवल अगर 2,300 रुपये पर मंथ अगर निवेश करेंगे और अगर आपको वेरी रीजनेबल एवरेज रिटर्न ऑफ 11% पर एनम अगर मिलेगा तो आप ये फिगर एक्यूमुलेट कर सकते हो। तो इसके लिए आप, क्योंकि आपका अमाउंट छोटा है तो आप कोई एक फंड में भी निवेश करेंगे तो काफ़ी होगा। तो सम गुड फंड्स आर, आप सिंपल एक लार्ज कैप फंड में भी निवेश करेंगे, फॉर एग्जांपल एचडीएफसी सेंसेक्स प्लस या फ्रैंकलिन ब्लू चिप, इन दोनों में से कोई एक फंड चुनिए एंड कीप रिव्यूइंग अ पोर्टफोलियो रेगुलरली, से वंस अ ईयर। सो आई थिंक यू शुड बी एबल टू अचीव दिस फिगर। सेकेंड इज गोल्ड। आजकल ऐसे हो गया कि गोल्ड हैज बिकम एज वॉलेटाइल एज एनी अदर एसेट क्लास, तो इसमें भी मार्केट टाइमिंग बहुत मुश्किल है। तो अगर आपको गोल्ड में निवेश करना है तो अगर आप एक डिसिप्लिन तरीके से एसआईपी के जरिए अगर निवेश करेंगे तो अच्छा होगा। एंड इसके लिए आपके पास दो विकल्प है, एक है गोल्ड ईटीएफ एंड सेकंड इज गोल्ड सेविंग्स फंड। तो अगर आपके पास कोई ब्रोकर का ट्रेडिंग अकाउंट ऑलरेडी है तो आप गोल्ड ईटीएफ उनके थ्रू हर महीने थोड़ा थोड़ा ले सकते हो, और अगर नहीं है तो आप गोल्ड सेविंग्स फंड जैसे रिलायंस गोल्ड सेविंग्स फंड या कोटक या एसबीआई, ये तीन गोल्ड सेविंग्स फंड है, उनमें से कोई एक चुन के आप हर मंथ मिनिमम 500 है बट यू कैन चूज एनी अमाउंट यू वांट, सो यू कैन डू एन एसआईपी इन दैट। नाउ आपका थर्ड क्वेश्चन जो है रिगार्डिंग प्रीपेमेंट ऑफ लोन, तो आपने कहा है कि आपका लोन अराउंड 22 लाख है। मैंने कैलकुलेट किया कि अगर 11% जो अभी करंट रेट्स चल रहे हैं उसके हिसाब से आपका ईएमआई अराउंड 23,000 पर मंथ होना चाहिए। तो अगर आपको ये प्रीपे करना है इन 10 ईयर्स तो टोटली आपका 20 ईयर्स में अराउंड 55 लाख्स हो जाएगा ये। सो इफ यू डिवाइड बाय 2 इट शुड कम टू अराउंड 27.5 लाख्स। तो अगर आपको 10 ईयर्स में ये अमाउंट रिपे करना है तो आपको अराउंड 12,700 पर मंथ अभी से निवेश करना चाहिए फॉर 10 ईयर्स। और अगर आप अराउंड 11% कमा सकते हैं यू विल हैव इनफ मनी टू प्रीपे दिस लोन। और जो ऑप्शन है यू कुड चूज फ्रॉम आईसीआईसीआई फोकस ब्लू चिप जो एक अच्छा लार्ज कैप फंड है, और फ्रैंकलिन प्राइमा प्लस जो एक लार्ज टू मिड कैप फंड। तो इन दोनों में आप इक्वली अगर अमाउंट से 12,700 डिवाइड बाय 2 तो अगर आप ये इक्वली इन्वेस्ट करोगे देन आई फील यू शुड बी एबल टू अचीव द फिगर, बट यू हैव टू रिव्यू योर पोर्टफोलियो वंस अ ईयर। जी, यानी मौसमी, सबसे पहले अगर बात करें आपके रिटायरमेंट प्लानिंग की तो 30 साल में जो आप 65 लाख का कॉर्पस एक्यूमुलेट करना चाहती हैं उसके लिए अगर आप सिर्फ आज से ही 2300 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे तो अपने टारगेट को आसानी से अचीव कर पाएंगे। दो फंड्स यहां पर जयंत जी ने आपको सजेस्ट किया, एचडीएफसी सेंसेक्स प्लस और फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप, इन दोनों फंड्स में से कोई एक फंड आप चुन सकती हैं और रिटायरमेंट प्लानिंग की शुरुआत कर सकती हैं। वहीं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की बात रही, वहां पर जयंत जी की सलाह है कि एसआईपी के जरिए इन्वेस्टमेंट करना बेहतर रहेगा और ऐसे में दो ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं, गोल्ड ईटीएफ या फिर गोल्ड फंड, दोनों में से कोई एक ऑप्शन आप चुन सकती हैं निवेश के लिए। और कुछ और कॉलर्स को भी अपने शो में शामिल करेंगे लेकिन उससे पहले यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए मनी मैटर्स। महिलाओं के लिए डिजाइन के किस खास शो में एक बार फिर आपका स्वागत है। आप हाउसवाइफ हैं या आप वर्किंग वीमेन हैं, सभी हमारे शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स की एडवाइस ले सकते हैं। तो अगर आपके पास भी निवेश से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप हमारे शो में पार्टिसिपेट कर सकती हैं, एक्सपर्ट्स की राय ले सकती हैं। ईमेल करने के लिए shi@zeenetwork.com पर ईमेल कर सकती हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स जरूर मेंशन करें। इसके अलावा एसएमएस कर सकती हैं, शी लिखिए, अपना सवाल लिखिए और सेंड कर दीजिए 57575 पर। और आगे बढ़ते हैं अगले कॉलर, विभा कुमारी दानापुर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है विभा आपका मनी मैटर्स में, पूछिए अपना सवाल। हेलो, नमस्ते मैम जी, सवाल पूछिए। सवाल ये है कि हम सुंदरम का सेलेक्ट मेटअप के बारे में जानना चाहते हैं, कैसा फंड है जी, के द्वारा इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और सुंदरम का कोई और भी फंड है तो उसके बारे में बताइए जो अच्छा। जी, आप प्रिसाइसली सुंदरम के ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहती हैं? जी हाँ जी।
जयंत जी, सुंदरम सेलेक्ट मिड कैप फंड के बारे में आपकी राय जानना चाहती हूं। इसमें एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट करने का ये प्लान कर रही हैं, कैसा है ये फंड? इसके अलावा कोई और फंड अगर आप यहाँ इन्हें सजेस्ट करें। सुंदरम एक अच्छा फंड हाउस है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर स्कीम है सिलेक्ट मिड कैप, क्योंकि एक तो मिड कैप होने के कारण वो थोड़ा एग्रेसिव है बाकी फंड्स के मुकाबले, एंड प्लस ये फंड मैनेजर का जो स्ट्रैटेजी है इसमें ही प्रिफर्स टू बी मोर एग्रेसिव, जो सतीश रामनाथन इसके फंड मैनेजर है। तो अगर ये केवल अगर ये एक ही फंड आपके पोर्टफोलियो में है तो मेरे को मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है, क्योंकि इतना एग्रेसिव फंड अगर आपके पोर्टफोलियो में है, दिस इज गुड एज अ सपोर्टिंग फंड बट नॉट एज अ मेन फंड। तो मुझे लग रहा है कि अगर कोई मेन फंड चाहिए तो सुंदरम का एक और एक अच्छा फंड है, सुंदरम सिलेक्ट फोकस, तो आप वो ऐड कर सकते हो। नहीं तो बाकी भी अच्छे लार्ज कैप फंड्स हैं, जैसे डीएसपी टॉप 100 है या फ्रैंकलिन ब्लू चिप है, जो आप कर सकते हो। यूजुअली पोर्टफोलियो में हम कहते हैं कि अराउंड 80% लार्ज कैप फंड्स होने चाहिए और बैलेंस 20% ऐसे मिड कैप फंड्स हो। जी, यानी विभा जी, अगर आपके पास म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है और सिर्फ ये ही फंड आपके पोर्टफोलियो में शामिल नहीं है, तो यहाँ पर आप इससे चुन सकते हैं, निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक यही फंड अगर आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में शामिल है, तो ऐसे में लार्ज कैप फंड भी आप जरूर चुने निवेश करने के लिए, ताकि आप अपने पोर्टफोलियो को एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बना पाएं। और आगे बढ़ते हैं, अगली कॉलर रेनु विज दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है रेनु आपका मनी मैटर्स में, पूछिए अपना सवाल। जी, मैंने बहुत सारे फंड्स में निवेश किया हुआ है जी, उसमें एचडीएफसी इक्विटी फंड, रिलायंस ग्रोथ फंड, रिलायंस रेगुलर सेविंग फंड, एसबीआई का मैग्नम कॉन्ट्रा, आईडीएफसी का प्रीमियम, इनमें मैंने लगभग 2007 से किया हुआ है। अब मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि इनमें से कौन सा रखूं और कौन से में से निकल आऊं। जी, पोर्टफोलियो कैसा है? जी जयंत जी, इनका एक पोर्टफोलियो है, करीब इसमें 7 म्यूचुअल फंड शामिल हैं, नाम इन्होंने भी मेंशन भी किए। एसआईपी के जरिए ये इन्वेस्ट कर रहे हैं करीब 1000 से 2000 रुपए, 2007 से ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी करीब 4 साल इनके इन्वेस्टमेंट को हो चुके हैं और जो टोटल होराइजन है इनका वो करीब 10 साल का है। ऐसे में इनका पोर्टफोलियो कैसा है, क्या किसी बदलाव की यहाँ जरूरत है? एक्चुअली अच्छा है कि आप 2007 से कर रहे हो, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में कोई लार्ज कैप फंड शामिल नहीं है, क्योंकि जैसे विभा जी पहले जिन्होंने सवाल पूछा था उनके भी पोर्टफोलियो में लार्ज कैप शायद नहीं था। तो एक लार्ज कैप, एक या दो लार्ज कैप फंड्स का होना काफी जरूरी है, स्पेशली जब हम लोग देखते हैं कि मार्केट जब कंटिन्यूसली गिर रहा हो कई महीनों से, तो ये लार्ज कैप फंड्स यूजुअली दे फॉल मच लेस देन दीज अदर मिड कैप फंड्स। तो दोनों का होना जरूरी है, लेकिन तो मुझे लग रहा है कि ये जो एसबीआई के स्कीम्स है, कॉन्ट्रा और टैक्स गेन, दोनों का परफॉर्मेंस लास्ट 3 से 4 साल काफी खराब है और उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आ रहा है। तो आप ये दोनों अगर एसआईपी है वो पहले बंद करके वो अमाउंट आप कोई लार्ज कैप फंड में डाल सकते हो जी। और रिलायंस आरएसएफ का भी परफॉर्मेंस लास्ट 1.5 साल से खराब है, तो आप इसको भी स्विच कर सकते हो। तो ये तीनों फंड्स के जो अमाउंट्स है वो आप आइदर डीएसपी टॉप 100 या एचडीएफसी सेंसेक्स प्लस या फ्रैंकलिन ब्लू चिप, या इन तीन फंड्स में से कोई एक या दो फंड्स में आप एसआईपी शुरू कर सकते हो जी। आपके बाकी फंड्स अच्छे हैं, जैसे एचडीएफसी इक्विटी है, आईसीआईसीआई इंफ्रा है, रिलायंस ग्रोथ एंड आईडीएफसी प्रीमियर इक्विटी, यू कुड कंटिन्यू इन दिस जी। यानी रेनू, यहाँ आपका पोर्टफोलियो जो है वो डाइवर्सिफाइड नहीं है, इसलिए कुछ बदलाव की यहाँ पर जरूरत है। एसबीआई मैग्नम कॉन्ट्रा, एसबीआई टैक्स गेन और रिलायंस रेगुलर सेविंग्स इक्विटी, इन तीनों फंड्स की परफॉर्मेंस काफी निराशाजनक देखने को मिल रही है, तो यहाँ से आप एग्जिट कर सकती हैं और इनके बजाय आप 2-3 फंड्स चुन सकती हैं, जो जैसे कि जिन जिन बताया, एचडीएफसी सेंसेक्स प्लस है, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप है, रिलायंस गोल्ड सेविंग्स है, इस तरह के फंड्स अपने पोर्टफोलियो में आप ऐड कर सकते हैं, ताकि आपका पोर्टफोलियो जो है एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन पाए। और अभी रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए मनी मैटर्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अगर आप भी हमारे इस खास शो में शामिल होना चाहती हैं, हमारे एक्सपर्ट्स की राय लेना चाहती हैं, तो आप हमें एसएमएस और ईमेल कर सकती हैं। ईमेल करने के लिए shi@zeenetwork.com पर ईमेल करें, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल जरूर मेंशन करें। इसके अलावा एसएमएस कीजिए, शी लिखिए, अपना सवाल लिखिए, सेंड कर दीजिए 57575 पर। और आगे बढ़ते हैं जयंत जी, अगला ईमेल है हमारे पास श्वेता का दिल्ली से, इनकम टैक्स रिलेटेड संबंधी इनकी क्वेरी है।
इनका इनकी जो उम्र है 61 साल है और ये जानना चाहती हैं कि एफडी से जो इनको एनुअल इनकम हो रही है वो करीब 2,45,000 की हो रही है, ये इंटरेस्ट इनकम है इनकी एफडी से, तो ऐसे में टैक्स इम्प्लीकेशन किस प्रकार होंगी? श्वेता, देयर इज गुड न्यूज फॉर यू, क्योंकि प्रीवियस ईयर तक आपको टैक्स भरना पड़ रहा था, लेकिन अप्रैल 1, 2011 से अगर आपको ये साल में ये इनकम आप एस्टिमेट कर रहे हो तो आपको कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सीनियर सिटीजन माने जाते हो और सीनियर सिटीजन के लिए दो कंडीशंस फुलफिल करने हैं। एसएससी शुड हैव कंप्लीटेड 60 इयर्स ऑन और बिफोर 31 मार्च 2012 एंड द टोटल इनकम अर्न बाय दैट एसएससी शुड बी लेस देन 2.5 लाख। तो क्योंकि आपका इनकम तो उससे कम है प्लस आपका एज 61 है तो आपको कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं है जी। यानी श्वेता, और दूसरा एक चीज बताएं, क्योंकि आपको टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, आपको आपके बैंक में फॉर्म 15H सबमिट करना होगा तो आपका टीडीएस भी नहीं कटेगा जी। यानी श्वेता, आप इनकम टैक्स में सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आती हैं और जो सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स लाभ है वो 2.5 लाख का है, तो यहाँ पर आप टैक्स के दायरे में नहीं आती हैं। साथ ही साथ आपका टीडीएस ना कटे इसके लिए आप फॉर्म 15H भर के बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं। और अगली कॉलर डेलनाज भंडारी मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है डेलनाज आपका मनी मैटर्स में, पूछिए अपना सवाल। हाय, मुझे पूछना था कि आई एम 32 इयर्स ओल्ड एंड आई एम सिंगल स्टेइंग विद माय फादर। वी हैव वन हेल्थ इंश्योरेंस एंड टिल डेट माय फादर इज ओनली इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड डिपॉजिट्स, बट नाउ आई एम थिंकिंग ऑफ डिपॉजिटिंग सम मनी इन म्यूचुअल फंड्स। सो कुड यू प्लीज हेल्प मी बिकॉज आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट शॉर्ट टर्म, मिड कैप, स्मॉल कैप, सो प्लीज कुड यू हेल्प मी प्लीज। जी जैन जी, आपने पूरा सवाल सुना इनका। इनके फादर अभी फिलहाल फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहती हैं, लेकिन ये समझना चाहती हैं कि हम जिन फंड्स की बात करते हैं अपने शो में, लार्ज कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स, स्मॉल कैप फंड्स, ये आखिरकार होते क्या हैं और इनमें निवेश करने का क्या मकसद है? या इट इज वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि किसी ने ये बेसिक क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं है। तो जब भी हम कहते हैं कि लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स, इसका मतलब है कि ये जो भी डेफिनेशंस है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से डिफाइन होते हैं ना। मार्केट कैपिटलाइजेशन का सिंपल डेफिनेशन है, अगर एक कंपनी ने 100 शेयर्स इशू किए हो और उसका प्राइस 100 है तो उसका मार्केट कैप हो गया 10,000 रुपीज। तो ऐसे करके जो भी बीएससी एंड एनएससी में जो स्टॉक्स लिस्टेड है वो हम सपोज हाइएस्ट टू लोएस्ट मार्केट कैप में हम लोग अगर रैंक करें, तो वैल्यू रिसर्च जो एक अच्छा एक रिसर्च म्यूचुअल फंड रिसर्च का एक इंस्टीट्यूट है विच ऑल्सो हैज अ मैगजीन कॉल्ड म्यूचुअल फंड इनसाइट, तो वो लोग जो रैंकिंग करते हैं व्हाट दे टेक इज द टॉप 70% ऑफ दैट लिस्ट इज लार्ज कैप फंड्स, लार्ज कैप स्टॉक्स, फिर 71-90% है मिड कैप स्टॉक्स और लास्ट जो 10% है वो स्मॉल कैप स्टॉक्स है। और जो भी म्यूचुअल फंड्स जिनका मंथली एवरेज इन्वेस्टमेंट है लास्ट 3 साल का मंथली एवरेज इन अ पर्टिकुलर कैटेगरी, दैट इज ट्रीटेड एज अ लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड। तो यूजुअली जब हम लोग पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं ये उचित है कि हम लोग अराउंड 75-80% लार्ज कैप फंड्स चुने और बैलेंस 20% कुड बी मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स। So depending on how much you want to invest, you know, you should say 80% should go into the first category and the other 20% in the second and third category. Okay. So that will give make your portfolio quite balanced. जी। अभी आपको कुछ आपने कहा है कि आपके पास कुछ 4 लाख है जो आप निवेश कर सकते हो। So I suggest first of all don't invest this in a lump sum. Divide it into 20 installments of 20,000 each and invest through monthly SIPs. And within that, I recommend one large cap fund, that is HDFC Sensex Plus of 8,000 rupees, another 8,000 and another large cap fund, DSP Top 100. तो आपके 20,000 में से 80% उसमें ये दो funds में जाएंगे और तीसरा है जो final 20% है, that will be 4,000 rupees, which will go into a pure mid cap fund. So I suggest HDFC mid cap or IDFC Premier Equity. इन दोनों में से कोई एक आप चुन सकते हो। जी, सो दिस विल बी योर पोर्टफोलियो। एंड आप कह रहे हैं कि आपके पिताजी हमेशा फिक्स डिपॉजिट में निवेश कर रहे हैं, दैट्स ओके बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन योर कम्फर्ट ऑल्सो। तो मेरी राय है कि आप कोई भी फिक्स डिपॉजिट प्रीमेच्योरली ब्रेक ना करें ये सब इक्विटी फंड्स में निवेश करने के लिए,
ओनली यूज योर एडिशनल मनी फॉर दिस. जी यानी डलनाज आपको समझ में आया ही होगा कि जो लार्ज कैप स्मॉल कैप या मिड कैप फंड्स होते हैं वो अलग अलग कैटेगरी के फंड्स होते हैं. मार्केट कैप जिन स्टॉक्स की होती है उनमें वो इन्वेस्ट करते हैं, तो एक ये डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं. इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स में आपने इन्वेस्टमेंट करने की बात कही, जैन जी ने आपको बताया कि जो 4 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करना चाहती है लमसम में कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, एसआईपी के जरिए इन्वेस्टमेंट बेहतर हमेशा होता है. और आज इतने ही कॉलर्स अपने शो में शामिल कर पाएंगे. बहुत बहुत शुक्रिया जैन जी सभी कॉलर्स की क्वेरीज को आंसर करने के लिए. तो आज मनी मैटर्स फॉर वुमेन में इतना ही. आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा. नमस्कार.